नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है पूनम्स डे आउट एंड इट इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स, बर्ड्स, देयर साउंड्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर एक लड़की है पूनम, और उसके नज़रिए से हमको बताया गया है कि पूनम कैसे बाहर जाती है, और वो एक पॉन्ड के पास है, तालाब के पास है, और वहाँ डिफरेंट एनिमल्स और अलग अलग इंसेक्ट्स और बर्ड्स को वो किस तरह ऑब्जर्व करती है, और उसके थ्रू हमको ये टीच किया है, यहाँ पर बताया। तो अगर हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज है, मगर उसमें से जो क्लास नोट बनानी है वो आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। जैसे टेक्स्ट बुक में आपको एक ये दिख जाएगा कि विच बर्ड कैन फ्लाई, एनिमल कैन क्राउल, एनिमल कैन वॉक, एनिमल कैन हॉप, एनिमल कैन हैव विंग्स, हैव फीट एंड हैव टेल, यानी कौन सा पक्षी उड़ सकता है, कौन से जो एनिमल्स है वो क्रॉल करते हैं, और कुछ ये भी बताया कि कौन से एनिमल्स ब्रांचेस, लीव्स, ट्रंक, ग्राउंड और ट्री वगैरह पर रहते हैं या उसके आसपास घूमते हैं। तो इस तरह से हमको टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज बताई है, और यहाँ पर एक एक्सरसाइज में ऐसा भी करना है कि हमको एनिमल्स को उनकी साइज़ के मुताबिक 15 एनिमल्स का चार्ट बनाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। और एक हमको इस तरह से वर्ड का भी दिया है, वर्ड बिल्डिंग, जिसमें हमको अलग अलग एनिमल्स के जो नेम है 6 एनिमल्स के वो ढूंढने हैं। और लास्ट में एक पेपर पर हमको ये दिया है कि एनिमल्स का जो चित्र है उसमें हमको रंग पूरना है, उसमें कलर करना है। और अब हम जो है इसके क्लास नोट देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोट्स निकाल ले, और हमको जो भी राइट डाउन करना है वो हम कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, लुकिंग अराउंड में चैप्टर 1 में ग्रेड 3 के लिए हमको सबसे पहले कुछ MCQs दिए हैं, तो हम फटाफट ये सारे MCQs जो है इसकी नोट्स बना लेते हैं। ये क्लास नोट्स है आपके लिए, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको इसमें मज़ा भी आएगा बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन बी सीन इन द स्काई, वो कौन सा प्राणी है जो आसमान में दिखाई देता है। देखो, 3 ऑप्शन है, काव, शीप, फ्रॉग, और लास्ट ऑप्शन है क्रॉ। तो क्रॉ हम उसको टिक करेंगे, है ना। राइट ऑप्शन इज क्रॉ। विच एनिमल लिव्स इन अ वाटर, वो कौन सा एनिमल है जो पानी में रहता है, फिश, डॉग, पैरेट और पिग। तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, फिश, करेक्ट। फिर हमको क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दिस हैव शेल फॉर देयर प्रोडक्शन, तो यहाँ पर है एलिफेंट, हॉर्स, फ्रॉग एंड स्नेल, सो वी विल चूज स्नेल। हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, स्नेल। विच ऑफ दीज इज अ मैमल, यानी रैट, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच, दिस थ्री आर इंसेक्ट्स। तो हम यहाँ पर रैट ले लेंगे, रैट इज अ मैमल। What sound does the cat make? बिल्ली का आवाज कैसा होता है, मियाओ, yes. ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल होम फॉर एनी एनिमल, ओशन, फॉरेस्ट, लेक, ये सब सही है। एक्वेरियम जो है वो हम चूज करेंगे, वो नेचुरल नहीं है। फिर हमको क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दीज इज इश्यूड बाई मैन टू कैरी लॉर्ड, विच ऑफ दिस इज यूज बाई एनिमल टू कैरी लोड्स, डोंकी, डोंकी इज यूज बाई एनिमल्स टू कैरी हैवी लोड्स। विच ऑफ दिस डजंट हैव लेग्स, इसमें से किसके लेग्स नहीं होते, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, स्नेक, सांप जो होता है उसके लेग्स नहीं होते। विच ऑफ दिस एनिमल्स इज यूजफुल टू अ फार्मर, तो फार्मर को कौन सा एनिमल ज़्यादा काम लगता है, द बुल, विच टू प्लोइंग अ फार्मर। विच एनिमल लिव्स इन बोथ लैंड एंड इन वॉटर, सो क्रोकोडाइल इज लिव इन बोथ लैंड एंड इन वॉटर। विच ऑफ देम इज अ रेप्टाइल, विच ऑफ देम इज अ रेप्टाइल, स्नेक, फिश, क्रैब और मंकी, सो वी विल चूज स्नेक। विच ऑफ दिस कैन फ्लाई, इसमें से कौन सा एनिमल उड़ सकता है, पैरट, डॉग, मंकी, फिश, तो हम यहां पर चूज करेंगे पैरट। नाउ वी हैव 3 MCQs लेफ्ट, इन विच एनिमल लिव्स इन अ फॉरेस्ट, लायन, काउ, गॉट एंड माउस, तो लायन हम चूज करेंगे, लायन इज अ वाइल्ड एनिमल एंड 3 एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल। विच ऑफ दिस एनिमल्स लिव अराउंड योर हाउस, आपके घर के पास कौन सा एनिमल रहता है,
टाइगर जिराफ लाइन नहीं लेंगे, डॉग चूज करेंगे इसमें, डॉग। विच एनिमल मेक्स बरोज टू लीव, यानी जमीन के अंदर दर बनाकर, जमीन में छोटा सा हॉल बनाकर जमीन में वो कौन रहता है एनिमल, रैट। कौन सा एनिमल है, रैट, वो हम रैट चूज करेंगे। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए, आप इसको भी कॉपी कर लें। एन आउल रिमेंस अवेक द होल नाइट, स्नेल लीव्स इन अ होल, फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश वीव्स वेब ऑन द वॉल, तो उसमें स्पाइडर आ जाएगा। फ्रॉग्स लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो हम लैंड और वाटर लेंगे यहां पर। अ स्पैरो कुड बी सीन ऑन द डैश, तो हम ले लेंगे रूफ ऑफ द हाउस। इसके बाद दोस्तों जो हमको आने वाला है वो है ट्रू और फॉल्स। राइनोज हैव लॉन्ग वाइट टास्क, राइनो के नहीं होते एलिफेंट के होते, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अ कुकू नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, ये करेक्ट है, कुकू अपना नेस्ट नहीं बनाती, दूसरे के नेस्ट में अंडा देती है वो। अ किंग फिशर इज अ टाइप ऑफ फिश, नो रॉन्ग, किंग फिशर इज अ टाइप ऑफ बर्ड। अ सी हॉर्स इज नॉट एक्चुअली अ हॉर्स, करेक्ट, ये पानी में पाया जाने वाला जीव है। पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो ये आपने ट्रू और फॉल्स भी देख लिया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम इन मैचिंग वी हैव टू मेक अ मैच द साउंड्स ऑफ द एनिमल, यहाँ पर हमको साउंड दिया है और हमको वो साउंड को जो है वो कनेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले हमको क्या दिया है, गॉट, और गॉट जो है उसका साउंड जो है वो आएगा ब्लीट। आफ्टर दैट वी हैव क्रो, और क्रो के साथ हम चूज करेंगे, क्रो के साथ हम चूज करेंगे काउ, सी ए डब्ल्यू काउ, का का करता है ना वो, डोंकी है तो डोंकी के लिए ब्रेइंग जो है थर्ड, ब्रेइंग के लिए हम लोग यहां पर चूज करेंगे डोंकी। एंड द काउ मूज, तो हम एम डबल ओ मू लेंगे। और यहां पर चिकन्स हमको दिया है तो उसके लिए हम चिकन्स के लिए जो है वो क्लकिंग ले लेंगे। ओके, हमको लिखना है गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग, आई लव टू वीव अ वेब विथ फाइन थ्रेड्स, तो इसका आंसर हम क्या लेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर स्पाइडर, इसका आंसर हम लेंगे स्पाइडर, एस पी आई डी ई आर ई डी ई आर, स्पाइडर। यहां पर हमको दिया है एज आई ग्रो आई लूज माई टेल एंड होप ऑन द लैंड, जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूं मेरी टेल जो है वो गायब हो जाती है और मैं जमीन पर कूदता हूं, तो इसका आंसर होगा एफ आर ओ जी, फ्रॉग। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, फ्रॉग। आई कैन लिव विदाउट वाटर एंड वॉक इजिली ऑन द सैंड, है ना, वो कौन सा एनिमल है जो सैंड में पाया जाता है और जो डेजर्ट एरिया में होता है, yes, वो पानी के बिना भी काफी दिनों तक जी सकता है, कैमल। आई हैव अ हार्ड रफ स्किन, आई लुक लाइक अ जायंट लिजर्ड, है ना, और हम उसको क्या कहेंगे, यस, क्रोकोडाइल। आई होप अराउंड कैरिंग माई बेबी इन माई पाउच, ओ ये वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको याद आया क्या है ये, यस दिस इज कैंगरू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, फटाफट ये कर लेते हैं। विच इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, उसके लिए हम आंसर ले लेंगे एलिफेंट। विच एनिमल लीव्स इन अ ट्रीज, उसके लिए हम ले लेंगे मंकी। विच एनिमल बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, वो कौन सा एनिमल है जो दूसरों स्ट्रेंजर्स को देखकर भौंकता है, डॉग। विच बर्ड रिमेन्स अवेक द होल नाइट, आउल। विच इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, टॉलेस्ट, बिगेस्ट के अंदर हमने एलिफेंट लिया, टॉलेस्ट के अंदर हम जिराफ ले लेंगे। And now last but not the least, answer the following question in brief, how do animals move? Animals move with the help of their feet, wings and tails, etc. How many legs do insects have? Insects have 6 legs. Answer aayega 6, yaad rakhna beta. Poonam looked up and she saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree? Find their names. Yahan par humko ek photo diya hai, main aapko wo photo bata raha hun. सो हियर इज द पिक्चर, यहाँ पर हमको चित्र दिखाई दे रहा है और देखो ये पीजन है, एंट्स, स्क्विरल, क्रो,
मंकी, बटरफ्लाई, कुकू एंड एंड यहाँ पर हमको छोटी सी क्या नज़र आ रही है, कुकू दिख रही है एंड स्क्विरल, पिजन और यहाँ पर कुकू है एंड दिस वन इज़ पैरट। ठीक है, तो ये सारे बर्ड्स के नेम भी आपके सामने, यहाँ पर पिजन, स्क्विरल, क्रो, मंकी, बटरफ्लाइज एंड पैरट्स एंड कुकू। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं छोटे सवालों की ओर। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। विच एनिमल्स आर हार्मफुल फॉर फार्मर्स? तो इसका आंसर हम लिखेंगे रैट्स एंड माइट्स आर हार्मफुल फॉर फार्मर्स। और इसके कुछ और डिटेल क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स आर एनिमल दैट प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। दे आर नॉट लेइंग एग्स। वो एग्स नहीं रखते अपने, जिसे बच्चों को जन्म देते उसको हम मैमल्स कहते हैं। What are reptiles? Reptiles are the animals that have skin covered with scales and lay eggs. In how many parts is the body of insects divided? तो जो insects होते हैं, जो कीटक होते हैं, उनकी body तीन हिस्सों में divided होती है, three parts के अंदर, head, thorax and abdomen. तो जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है फिर वो प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताएं, ताकि हम और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें।